50 लाख की डकैती मामले में 24 घंटे के भीतर चलती ट्रेन में पकड़े गए 5 आरोपी, घर का पुराना कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना इलाके में कल एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि पंडरी स्थित क्षितिज अपार्टमेंट में कल 50 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जिसमें पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। रायपुर से नागपुर होते हुए दिल्ली जा रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने चलती ट्रेन में ही गिरफ्तार किया है। इस डकैती का मास्टरमाइंड घर का पुराना कर्मचारी ही निकला। इसी ने बीकानेर के प्रोफेशनल डकैतों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ITMS के कैमरे में डकैतों का पुलिस को क्लू मिला, जिसके आधार पर इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 49,10,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। राजधानी रायपुर के SSP आरिफ शेख ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि बजरंग शर्मा नाम के एक प्लाईवुड के कारोबारी के घर 50 लाख की लूट हुई। आरोपियों को पता था कि पैसे कहां रखा है। घटना के बाद दो टीम बनाई गई, एक टीम पहले ही बराबर थी और उनकी भी मदद ली गई। ITMS के जरिए आरोपियों के संबंध में क्लू मिला था। 5 आरोपी घटना के बाद नागपुर गए और वहां से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन में ही पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति की पहचान कर ली थी। 5 एक साथ ट्रेन में थे, इसमें से 4 लोग सोए हुए थे। चलती ट्रेन के अंदर इन्हें धर दबोचा गया। ये सभी दिल्ली में उतरने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले 5 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने पकड़ लिया। एक देसी कट्टा भी इनके पास से बरामद हुआ। प्रार्थी के पास मास्टरमाइंड मेलाराम ने 2 साल पहले काम छोड़ दिया था। उसको पता था कि पैसे कहां रखा जाता है और किस में रखा जाता है। इस पूरे मामले को डिटेक्ट करने वाले टीम को DGP DM अवस्थी ने 1 लाख रुपए, IG आनंद छावड़ा ने 30,000 रुपए और SSP आरिफ शेख ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।